हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों जैसा सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पे नौकरी के बारे में बताता हूं, नए नए कंपनियों के बारे में बताता हूं, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता रहता हूं। बस हमारी एक ही पहल है, जो भी हमारे भाई बेरोजगार हैं उनको जॉब दिलाना, फ्री में जॉब कहाँ मिलता है उसके बारे में बताना। तो अभी इस समय हम हरी एसोसिएट के ऑफिस में हैं, और यहाँ पर वीवो के लिए, जो कि जेवर में एक नई प्लांट ओपन हो रही है, वीवो कंपनी जो कि मैनुफैक्चरिंग प्लांट है, वीवो का फ़ोन वगैरह मैनुफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, और देख पा रहे हैं क्या कितने तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं वीवो कंपनी में काम करने के लिए। आप सभी लोग वीडियो में बने, यहाँ का पूरा प्रोसेस मैं आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूं, सैलरी भी बताने वाला हूं, और ये जॉब बहुत ज़्यादा निशुल्क होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो अभी इस समय हम मौजूद हैं सूरजपुर। सूरजपुर जो गोलचक्कर है, दुर्गा टाकी से बिल्कुल सामने, मोबेस के टक्कर से बिल्कुल ठीक सामने यह ऑफिस। अगर हम बात करें तो हरी एसोसिएट में भी हायरिंग चल रही है, और फ्री में वीवो कंपनी के लिए कैंडिडेट को हायर किया जा रहा है, जॉब दिया जा रहा है, जो कि जेवर में ये कंपनी है। तो हमारे साथ कुछ हमारे भाई, इनसे हम बातचीत कर लें। क्या नाम है सर आपका? विपिन। कहाँ के रहने वाले विपिन जी? अलीगढ़। अलीगढ़ के। तो क्या क्वालिफिकेशन क्या है, बात करें? ट्वेल्थ जी। अच्छा, यहाँ पे कोई जॉब के लिए हरी एसोसिएट या कोई भी ऐसा बंदा कोई पैसा कोई चार्ज तो ऐसा आपसे नहीं मांग रहा? नहीं, कोई नहीं है ना। किस कंपनी के लिए कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं इसलिए? वीवो है। वीवो जी। किस लोकेशन क्या होने वाला? SMT। SMT मतलब डिपार्टमेंट जी जी। लोकेशन कहाँ का होने वाला है? लोकेशन शायद जेवर का होने वाला है ना। लोकेशन जो होने वाला है जेवर का होने वाला है। अगर हम बात करें क्या सैलरी क्या बात हुई है? सैलरी अभी बताई नहीं है, लेकिन अभी इंटरव्यू होगा जब बताएंगे। अच्छा, सैलरी का अभी बताया नहीं, इंटरव्यू से बात जी। क्योंकि यार वीवो ऐसी कंपनी में सभी लोग काम करना चाहते हैं, और आज मैंने देखा इतनी सारी भीड़, भाई साहब मज़ा आ गया। इतना मज़ा क्या आ गया, बहुत दुख होता है कि भाई इतने सारे कैंडिडेट बेरोज़गार हैं। बहुत दुख होता है कि रोज़गार के लिए भाई साहब सभी दूर दराज से आए। जैसे ये भाई साहब अलीगढ़ से, आप कहाँ से आए हो सर? हरदोई। हरदोई से आए? हाँ, हरदोई तो पास में, अलीगढ़ के पास, बट कुछ दूर दराज से आते। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? ITI। ITI कर रहे हैं? ITI। एज कितनी है आपकी? एज मेरी 21। 21 हो चुकी। तो कैसे आपको पता चला था कि हरी एसोसिएट के थ्रू जॉब मिल रहा है फ्री में ऑफिस में? हरी ज्वाइन कर रखा है मैंने ग्रुप। अच्छा, आपने ग्रुप ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, थोड़ा सामने सर जाना पड़े भाई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा है? पैसा नहीं लिया जा रहा है भाई। आज के डेट में जो भाई हमारे नए आते हैं ना, दूर दराज से ऐसे फ्रेशर होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, तो उनसे ठगी करी जाती। किस तरीके से जॉब के नाम पैसे लेते हैं और उनको जॉब भी नहीं देते हैं। जगह जगह पे देख रखा होगा आपने, ओप्पो में वीवो में भर्तियां हैं, वहाँ पे कॉल करके जब आप जाते हो तो आपसे पैसे ली जाते हैं, लेकिन आपको जॉब नहीं दी जाती। लेकिन हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है इसरार ए टू जेड, इसरार ऑफिशियल, भाई साहब मैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करता हूँ। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, कोई एक बंदा बोल दे कि हमसे पैसा लिया गया? किसी से कोई पैसा लिया गया? नहीं लिया गया किसी से पैसा। पैसा किसी से नहीं लिया भाई, ये दूर से आए इसीलिए आए, बस हम भी चाहते हैं भाई दूर से जो भी आए उनको रोजगार मिल पाए। क्या नाम है सर आपका? शेखर। शेखर जी कहाँ के रहने वाले? ग्वालियर के। ग्वालियर के रहने? तो आपने भी ग्रुप ही देखा था? नहीं सर जी, किसी ने नंबर दिया था, उनसे बात हो के थ्रू आए हैं। अच्छा अच्छा, उनके थ्रू आए। हाँ, तो ये वीवो के लिए हायरिंग चेयर में इंटरव्यू हुआ या होगा? अभी नहीं हुआ है, होगा। क्या प्रोसेस क्या हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन का, अगर हम बात करें तो? डॉक्यूमेंट वो बोल रहा है अभी, मतलब बाद में बताएंगे क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है। हाँ, अभी बोला है बाहर निकलेंगे तब बताएंगे। हमने भी बात किया उनसे, यहाँ पे जो भी हमारे HR थे, जो भी यहाँ पे इंटरव्यूज ले रहे हैं या जो ऑफिस के मेन इंचार्ज हैं और मैनेजर हैं, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा सर वीडियो आप शूट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भाई परमिशन लेना पड़ता है किसी भी। हाँ, ऐसा तो है नहीं सर हम खड़े हो जाओ बना ले। हाँ बिल्कुल, बात सही है। सबकी देखो, सबकी रिस्पेक्ट उसके हाथ में होती है, चाहे अपने रिस्पेक्ट आप गवाओ चाहे बनाओ, सीधी सी बात। सही है। तो अगर ये जॉब के लिए किसी से कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा? नो, ना लिया जा रहा है ना। नहीं नहीं, नहीं सर, एक्चुअली ऐसा क्या, आइए इधर आइए। एक्चुअली ऐसा क्या होता है, हमें और आपको पता है ना पैसा नहीं लिया जाता, पर कुछ हमारे भाई हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है, वो नए होते हैं, उन्हें हाँ होता है, पैसे लेते हैं बुलाते हैं, पर यहाँ तो नहीं फ्रॉड हो रहा है। यहाँ तो फ्रॉड व्रॉड नहीं हो रहा है, यहाँ पैसे ऐसे नहीं ले रहे हैं। अभी जो नाम पे ले रहे हैं ना, अभी फेसबुक पे चल रहा है जो नया वेबसाइट एयरपोर्ट में चल रही, जो अब इसमें पैसे बुलाते हैं, तुम्हारा गाजियाबाद में इंटरव्यू है, पैसे मांगेंगे, ये है कि बाद में बताएंगे, ऐसा चल रहा है अभी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इसीलिए भाई मैं ठोक बजा के काम करता हूँ। और एयरपोर्ट के लिए तो मैं चाहूँ तो बतेरे वीडियो डाल दूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि भाई कैंडिडेट जब जाता है, पहले तो बोलते हैं पैसा नहीं लेते, फिर जाते हैं तो बोलते हैं भाई ये रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, ये ड्रेस का चार्ज है, ये एनुअल चार्ज है, फिर ये रिफंडेबल होता है। अब यार बंदा क्यों पैसे दे आपको, दूर दराज से आता है मेहनत करके अपने परिवार फैमिली से पैसे लेके 2004, ऐसा थोड़ी ना बंदा सब लाख लाख रुपए लेके आए भाई साहब। पर वीवो नहीं लेती है, वीवो नहीं पैसा ऐसा लेती है।
वीवो हुई, ओप्पो हुई, सैमसंग हुई, ये लोग पैसे नहीं ले, हमें पता पैसे नहीं लेती ना। ओप्पो ले रही है सर। ओप्पो ले रही जी। अभी हम कल तो वहाँ गए थे इंटरव्यू परसों देने, क्या कह रहे थे? 5,000-6,000 ओप्पो मांग रहे थे। ओप्पो में 5,000 करके कॉन्ट्रेक्टर जहाँ भर्ती थी। अरे आप सही जगह पे नहीं गए जी। जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल परफेक्ट सर सही जगह है, हरी एसोसिएट कॉन्ट्रेक्टर भर्ती जहाँ आई वहीं तो जाना पड़ेगा हमको। हमको क्या पता, कंपनी थोड़ी डायरेक्ट भर्ती ले ली। ये ओप्पो का जो भी ऑफिस में यहाँ कोई पैसा ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल ऐसे ही भर्ती होती है फ्री, और लड़के ड्यूटी भी कर रहे हैं यहाँ। यहाँ कोई हट जाना सर। नहीं नहीं सही कह रहे हो भाई, देखो हर टाइप के लोग बैठे हैं, हम किसके पास जाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 24 तारीख को हमने इंटरव्यू दिया, यहाँ कोई पैसा नहीं लगा है और पास भी हुए हैं। देखो बता रहे हैं मंडे को मिलेगा। हाँ मंडे को ज्वाइनिंग यहीं पे हुआ। हाँ यहीं पे हुआ था। आज भी ले रहे हैं क्या? आज भी बुलाया है, आज भी देखो ले रहे हैं। हम लोगों का वो तो हो चुका है, मना कर दिया उन्होंने कि तुम लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, मंडे को ज्वाइनिंग है तुम्हारी। और लड़कों को बुलाया है, देखो मतलब आपकी ज्वाइनिंग। हाँ हो जाएगी। सैलरी की क्या बात हुई? सैलरी की तो अभी बात नहीं हुई है, पर ये सैलरी हाँ 8 घंटे 15,000 बता रहे हैं ओवर टाइम करके, ऐसे 24-25,000 रुपये बन जाते हैं, बहुत आराम से बन जाएंगे। हाँ और अगर संडे अंडे लग गए तो वही 27-28,000 रुपये आराम से भी निकलते हैं, बहुत आराम से। हाँ आराम से निकलते हैं। और यार वीवो कंपनी एक ब्रांडेड कंपनी है भाई, उसमें है ना, इसमें सभी बंदे काम करना चाहते हैं। और जैसा कि लोगों से हमने बातचीत किया, और जैसा कि मैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करता हूँ, जैसे ये हमारे भाई, ये हमारे भाई, ये हमारे भाई हैं, उसी तरीके से हम भी हैं। बस हमारी एक ही पहल है, जो भी भाई बेरोजगार है उनको जॉब दिलाना, इसीलिए मैं ग्राउंड पर आता हूँ। अगर यहाँ भी पैसा लिया जाता किसी से भी, भाई साहब मैं वीडियो ही ना शूट करता। हाँ बिल्कुल बात पता है ना भाई, हमारे वीडियो लाखों लोग देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बात सही, कोई पैसा नहीं लगता है क्योंकि मैं दे चुका हूँ, और काफ़ी बंदे ड्यूटी भी यहाँ करके गए हैं, कोई पैसा ऐसा नहीं लगता है। भाई साहब से बातचीत करें बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। और हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है इसरार A to Z के नाम से है, इसरार ऑफिशियल के नाम से है, इसरार A to Z एंड इसरार ऑफिशियल के नाम से, आप सभी लोग सब्सक्राइब करें जिससे कि आप लोगों को रोज़गार मिल सके। पैनल लगी हुई है ना, इतने सारे लोग भाई साहब, इतने सारे बेरोजगार लोग भाई साहब, बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत दुख होता है। ये देखो है ना, यहाँ पे स्कैनर्स हैं, लोग स्कैन्स कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके बाद फिर अप्लाई आप शायद कर सकते हैं, या आगे का जो प्रोसेस है इसके बाद किया जाएगा है ना। जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे देख पा रहे कितने कैंडिडेट है भाई, आज तो यूँ समझो कि बड़ा तकलीफ़ होता है एक तरीके से, और एक तरीके से खुशी भी होती है कि लोगों को रोज़गार आज मिलेगा हरी एसोसिएट की तरफ से, बिल्कुल भी निःशुल्क मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो वही अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर आना है, ओरिजिनल की भी रिक्वायरमेंट है क्या सर? हाँ सर ओरिजिनल भी लेकर। हाँ सर ओरिजिनल लेके आनी है, लेकिन ओरिजिनल देखी जाएगी, जमा नहीं की जाएगी है ना सर? हाँ सर। तो अभी यहाँ पे जो स्कैन किया जा रहा था, आपने स्कैन करा? अभी नहीं स्कैन किया। क्यों नहीं किया सर? ये भाई स्कैन कर लिया, देख रहे हैं। अच्छा मेरा अभी प्रोसेस समझ रहे हैं। हाँ चलिए कोई नहीं, बाकी का यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ भाई हमारे बैग लेकर आए हैं, कुछ यहीं पे रहने वाले हैं, थोड़ा सा हटना तो दोस्त। कुछ हमारे भाई जो बैग लेकर आए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल कर रहे हैं, कुछ आधार कार्ड से अपना लिंक वगैरह नहीं है वो करा रहे हैं है ना। देख पा रहे हैं कितने सारे तादाद यहाँ पे लोग आए हैं। 100% निःशुल्क होता है ना सर? निःशुल्क होगा ना सर? यस। कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा? नहीं कोई पैसा लिया? नहीं सर नहीं। रहने वाले सर? यूपी कानपुर का हूँ। कानपुर के जी सर। तो आप भी ग्रुप देख कर यार? हाँ देख के लिए। इस कंपनी वीवो के लिए? वीवो के लिए। अच्छा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर? हाँ ओरिजिनल। इंटरव्यू अभी हुआ है या? अभी नहीं हुआ है। ठीक है अभी होगा ना? ठीक है सर। तकरीबन मैं बता दूँ 1 घंटे बाद यहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, 2 घंटे तक इंटरव्यू चलेगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के नाम में कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। ओवरऑल मैं दिखा दूँ आपको, अभी ऑफिस में भी यहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाना। हरी एसोसिएट की इस समय हम ऑफिस में भी हैं, और ये देख रहे होंगे भाई साहब यार कितनी भीड़ है यार। भाई साहब पानी वानी का तो ठीक है, इंतजाम किया गया, अच्छी बात है, यहाँ पे लोग पानी वानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब भीड़ इतनी बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ बहुत गर्मी है। तो भाई वीवो की कंपनी के लिए यहाँ पे हायरिंग स्टार्ट कर दी गई है, अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, 100% आपको यहाँ पे जॉब दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा। हरी एसोसिएट की बात करें तो हरी एसोसिएट के द्वारा दिया जा रहा है 100% फ्री, ये देख रहे होंगे आप। चारों तरफ लड़के ही लड़के हैं, ये सभी भाई हमारे बेरोज़गार हैं। इतनी सारी बेरोज़गारी भाई यार तकलीफ़ सी होती है, बहुत दुख सा होता है यार। ये देखो आप, अगर हम बात करें लोकेशन की, अगर हम बात करें थोड़ा, मैं आपको लोकेशन दिखाना चाह रहा हूँ जिससे कि जो भी कैंडिडेट आए उनको दिक्कत ना हो, जिससे कैंडिडेट आए उनको दिक्कत ना हो, समझ रहे हो? ये सामने जो है ये हमारा है दुर्गा टाकिस, ठीक है, और इसी के ठीक सामने है ये होटल आनंदा, ठीक है। होटल आनंदा पे आप आ जाना, इसके बगल में हायरिंग स्टार्ट है, इसके बगल में ही ऑफिस है, और यहीं पे हायरिंग ली जा रही है, 100% फ्री है, ठीक है, किसी को पैसा नहीं देना, ध्यान रखना। और ये हमारे सामने है मोबोस कंपनी, चारों तरफ लड़के ही लड़के हैं साहब, ये देखिए।
ये देखो ये रहा मोबेस कंपनी। तो अगर आप भी आना चाहते हो तो आ सकते हैं, अभी एक से दो दिन यहाँ पे हायरिंग चलेगी, उसके बाद फिर से क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आसपास में है तो आ जाओ, अगर दूर दराज से हो तो मत आना, फिर मेरे वीडियो का वेट करना आप, क्योंकि भाई अगर दूर दराज से आप हो दो से तीन दिन लग जाएंगे आपको आते आते, तो ऐसे में क्या होगा फिर क्लोज़ हो जाएगी हायरिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी, फिर भर्ती जो है नहीं होगी। ये देखो आप, तो थोड़ा सा इन भाई से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? आशीष कुमार पंडित। आशीष, क्या बात है, बहुत अच्छा नाम है। आशीष जी कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के। झारखंड के, एज कितनी वैसे है? उम्र कितनी होगी आप? 21। 21 हो चुकी है। अच्छा जी, कितने पढ़े लिखे हैं? ITI। ITI कर रहे हैं। कैसे आपको पता चला था हायरिंग को लेकर यहाँ पे? जॉब साइट पे डलता है। तो कैसे प्रोसेस क्या है, अगर ज्वाइनिंग की बात करें या डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें तो प्रोसेस क्या है सर? तो वो तो हमें भी नहीं पता, यहाँ पे अभी इंटरव्यू ले रहा है, पहले रिज्यूम और आधार कार्ड मांगा अभी, उसके बाद इंटरव्यू के 10:30 बजे। मतलब कहने का ये है कि आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आना है, कब कौन सी डॉक्यूमेंट लग जाए कुछ पता नहीं है, फर्स्ट एंड फॉल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर आना है, वो जमा नहीं होगा, सिर्फ देखी जाएगी, देखने के बाद फिर वो डॉक्यूमेंट आपके रिटर्न कर दी जाएगी। जैसा कि आधार कार्ड पे ही अपना नाम एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना, हाँ, जिससे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे समझ में ना आए तो यहाँ पे आराम से आदमी पहुँच, हाँ, तो ठीक है भाई साहब से बातचीत करके अच्छा लग रहा है। और इस समय हम मौजूद हैं सूरजपुर में, ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में मौजूद है, ये भी हमारे भाई हैं। क्या नाम है सर? पंकज कुमार। कहाँ के रहने वाले पंकज? झारखंड स्टेट। आप भी साथ में ही? साथ में। साथ में ही है, चलो कोई ना, पैसा तो नहीं लिया जा रहा यहाँ पे? नहीं। हरी एसोसिएट जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम कर रही है 100%, यहाँ पे कोई भी चार्ज कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है जो भी हमारे भाई बाहर से आते हैं उनको उनके साथ जॉब के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, इसी अवेयरनेस को लेके हमने सोचा कि अपना चैनल बनाया जिससे कि लोगों को पता चल पाए। ये जॉब हरीश एसोसिएट के द्वारा दिया जा रहा है। अगर हम बात करें होटल आनंदा, अगर हम बात करें तो जो दुर्गा टाकीज है उसके ठीक 100 मीटर आप बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे आनंदा होटल है, आनंदल होटल पे आप आ गए समझ लो आप ऑफिस पे आ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल लगी, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई सराल को सपोर्ट करना। चले मिलते हैं नए वीडियो में नए नौकरी के साथ, रखिए अपना ख्याल, नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।